प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको प्रेशर नहीं आता होगा, लेकिन हैंडलिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं। शादी पाकिस्तानी लड़की से करेंगे या किसी गैर मुल्की? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह का इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, आप सब जानते हैं, काफी मीम्स भी बन रहे हैं इस पे। तो हमने सोचा यार इस इंटरव्यू में और भी कई चीज़ें होने वाली है, तो इस इंटरव्यू का एक रैपिड फायर राउंड हुआ है, वो देखने वाले हम। सुनो टीवी की तरफ से वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब देम, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट हियर, वी गो। मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ रैपिड फायर का, ठीक है? आर यू रेडी? पहला सवाल है आपसे, इनमें से बेहतरीन स्टाइलिश बैट्समैन कौन सा है? ब्रायन लारा, आमिर सुहेल, फवाद आलम। ये आप किस जमाने के पूछ रहे हैं, ये तो इनके तो मैंने बैटिंग देखी नहीं। देखिए कितना सेफ मैंने आपको रखा है, मुश्किल में ही है ना इनकी, मैंने इनके जमाने के मैचेस तो मैंने देखे। स्टाइलिश तीनों स्टाइलिश है, तीन एक चूज करना है, फवाद, आमिर सुहेल, ब्रायन। सेफ खेल रहे हैं लारा, ठीक है। किस बॉलर की सेलिब्रेशन सबसे अच्छी है? हसन अली, हारिस रऊफ, शाहनवाज धानी। किस बॉलर की? यार तीनों के अपनी जगह सही है। अब पॉलिटिकल आंसर नहीं दे दे, कोई बात सेलिब्रेशन ही है ना, आप इन्जॉय। तीनों अपनी जगह अच्छे है ना, मेरा ये कह सकता हूँ कि मुझे सेलिब्रेशन खुद में करता नहीं इतना ज्यादा, बस समटाइम होता है कि बहुत ज्यादा मुझे अगर गुस्सा आता है, अदरवाइज गुस्सा तो भी कम आता है और मैं विकेट लेके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो अब मेरे से पूछ रहे कौन सा सेलिब्रेशन अच्छा लगता है, तो मैं ये नहीं कह सकता। अच्छा, कौन सी टीम सबसे मुश्किल हरीफ है? इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तीनों स्ट्रॉन्ग हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी टीम्स हैं। अब इनमें से एक चूज करना ये तो आप बहुत ही यू नो मुश्किल कर रहे हैं। अच्छा, क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर ना होता तो किसी के साथ शॉप में काम कर रहा होता, और कोई टैलेंट नहीं है मेरे अंदर लाइक, या तो कोई हिडन टैलेंट। यार सच बताऊं कोई टैलेंट नहीं था मेरे अंदर, बस या तो वेला होता या नहीं। नहीं ये क्या होता है बाथरूम ना, जो बस सिर्फ अपने लिए ही गाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं गाता हूँ, बस क्रिकेटर ना होता तो शायद बस वेला ही होता या कोई काम शाम करे तो कुछ वेला होता। तो किस बैट्समैन को आउट करना मुश्किल लगता है? डिपेंड करता है यार, अगर अल्लाह चाहे तो कहीं भी आउट हो सकता है, पर कुछ बैट्समैन होते हैं कि ये जो भाई आगे देखने से पहले मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही हॉनेस्ट, मुझे मैं ये कहूँगा, क्योंकि इनकी जगह कोई और होता तो वो कुछ भी बोल सकता था कि मुझे तो एक्टिंग पसंद है, मैं ये एक्टिंग करता या पेंटिंग करता या आर्किटेक्ट बन जाता या कुछ भी बोल सकते थे, क्योंकि कौन देखने जाला है आप जा रहे हैं, आप तो क्रिकेटर हो ही बन ही गए। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने क्या बोला, मैं वेला रहता या फिर किसी शॉप पे काम कर रहा होता। हाँ तो काफी काफी ज्यादा ऑनेस्ट लगे मुझे यहाँ पर। आउट करना तो डिफरेंट होता है, टेस्ट में विलियमसन। अच्छा, विलियमसन टेस्ट में उसको आउट करना आसान नहीं है। शादाब खान की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा पसंद है? यार एक खूबी तो उसके अंदर तो बहुत अच्छी खूबी है, लेकिन एक मैं ये कहूंगा कि he is caring and he is very humble. अच्छा, उसके शादी पाकिस्तानी लड़की से करेंगे या किसी गैर मुल्की, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर्स ने बाहर भी शादियां की है ना। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। मेरे अब्बू को पता होगा और अल्लाह को पता होगा कहाँ होना, आई डोंट नो। अरेंज मैरिज ही होगी, ठीक है। उमर अकमल, अहमद शहजाद, इमरान नजीर में से कौन सबसे अच्छा खेल लेता है? सबसे अच्छा खेल लेता है, तीनों अच्छा खेल लेते हैं। नहीं भाई एक चूज करें ना, सारे में यहाँ पे एक ही खेल जा रहे हैं, इतना पॉलिटिकल नहीं होना। आप मेरी बात सुने ना, कि आप मेरे से पूछेंगे कि तीनों भाई में से सबसे अच्छा कौन है, मेरे भाइयों में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, वो अच्छा है। अगर तीनों अच्छे फिर क्या करूंगा, आप मुझे बताएं। सेफ खेल रहा है भाई, ठीक है जी। कौन सा खिलाड़ी? ये वैसा जो बच्चों से पूछते हैं ना कि बेटा मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा, तो बच्चे भी दोनों बोलते दोनों ही पसंद है, ये उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, खिलाड़ी अपने आप को सबसे खूबसूरत समझता है? कौन सा खिलाड़ी अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझता है, हैंडसम समझता है? सबसे ज्यादा हैंडसम, या अपनी लुक्स के बारे में बड़ा पर्टिकुलर है, चलें और आसान कर देते हैं। यार ऐसा कोई अभी तक नोट मैंने नहीं किया, पर आई डोंट नो, सेम नहीं आ रहा इसका आंसर, तो मैं भी नहीं कर सकता। को नया निकनेम देंगे तो क्या देंगे? एक्टर है, एक्टर, एक्टर, ओके। कौन सी भाभी सबसे अच्छी है? सानिया मिर्जा, सामिया आरजू या शनेरा अकरम?
भाई ये तो और भी टफ है। क्या सवाल है, लाइक बाबिया सानिया मिर्जा सब बाबिया फेवरेट बाबी फेवरेट मेरे ये क्रिकेट में कोई करे आप पूछे फेवरेट कौन है सब कौन सा ऑलराउंडर नंबर वन है शादाब खान वसीम अकरम शाहिद अफरीदी ना आप गूगल में देख ले आपके लिए मेरे लिए कहने से कुछ मेरे कहने से कुछ नहीं होना ना आप सवाल ऐसे करें आपके लिए देखिए अच्छा ये दिस इज नंबर वन कौन है ना जैसे मुझे पता है कि अच्छा मेरा फेवरेट ये है रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग नहीं अपने दिल के हिसाब से अपने दिल के हिसाब से आपके लिए फिर आपने सेम सवाल किया ना आप शाहिद अफरीदी शादाब खान और तीसरा कौन था वसीम अकरम सवाल ही आप ऐसा कर रहे हैं कि इसमें से एक चूज करना वो पॉसिबल ही नहीं है तीनों बेस्ट है सबसे गुसीला फास्ट बॉलर कौन है हारिस रऊफ शाहिन शाह हसन अली अब ये तो आसान शाहिन शाह अच्छा किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को एक्टिव कहते हैं वो आपने मेरे ख्याल से कह दिया ही शायद वो तो दानी राइट ग्राउंड में सबसे ज्यादा स्लेजिंग कौन सा खिलाड़ी करता है स्लेजिंग मतलब के कौन सबसे ज्यादा गुस्सा करता है या एग्रेसिव होता है पिच के अंदर एग्रेसिव कौन होता है ग्राउंड में डिफरेंट अब क्या बताऊँ सब डिपेंड करता है ना किसी को भी गुस्सा आ जाता है अचानक से लेकिन कोई ऐसा एक नहीं है जिसको आप नोट करो कि यही है लेकिन सम टाइम कर लेते हैं सब कर लेते हैं गुस्सा इंसान को आता है कौन सा कप्तान आपका फेवरेट है कैप्टन करंट बाबर आजम मतलब कौन सा कप्तान किस में आपकी क्रिकेट टीम में थ्रू आउट कोई कैप्टन जो आपका एज ए अच्छा कैप्टन रहा है आपका फेवरेट यार अभी तक मैं जितना खेला हूँ जितने भी कप्तान रहे हैं सब अच्छे रहे हमारा काम होता है कप्तान बॉल देते हैं आपने सब सब अच्छे हैं सब ये यार देखे नो डाउट ये हमारे मैं कौन हूँ आप मुझसे बता रहे कि मैं ये चूज कर रहे कौन अच्छा है लेजेंड ये सबके फेवरेट हैं लेकिन होता है ना कि अपने पर्सनल चले ठीक है आगे चलते हैं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस कप्तान के साथ भी मैं खेला हूँ कप्तान का काम होता है आपको बॉल देना और आपने प्लान फॉलो करना होता है तो आप ये आप मुझे बसा रहे हैं कि आपका कप्तान कौन सा फेवरेट है ठीक है सेल्फी बनाने का शौक किस प्लेयर को सबसे ज्यादा है शाहनवाज दानी ओके आप पर कोई फिल्म या ड्रामा बने तो उसका नाम क्या होना चाहिए मिस्ट्री ओके इंटरेस्टिंग इंजी भाई विकी भाई रजी भाई नसीम शाह का निकनेम क्या है उनका क्या है उनके तो ये नाम है ना तो अच्छा, नसीम शाह का निकनेम का क्या है यार मेरा निकनेम ज्यादा लोग नेस कहते हैं गोरे और पाकिस्तान में कुछ भी कह देते हैं जैसे कि यार जैसे कि अजीब अजीब से नाम लेते हैं कुछ कौन गोरे नेस बोलते हैं ना बताने के सम टाइम लाइक कोई इतने नाम कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा खुशहाल भाई बताने के लायक नहीं ऐसे ऐसे नाम बोलते बताने के लायक नहीं होता अजीब अजीब नाम लेते क्या क्या बोलते हो यार हम भी मतलब खुश रहता है या नहीं जो कि बहुत बटरिंग करता हो बहुत ज्यादा मक्खन लगाता हो बहुत ज्यादा मक्खन लगाता हो किसको मक्खन लगाता हो किसी को भी टीम में यार मक्खन कोई नहीं लगाता आपको कौन ज्यादा मक्खन लगाता लेट्स डू दैट मुझे यार मुझे किसने मक्खन लगाना है ओके क्रिकेट में किसे गुरु मानते हैं मुदस्सिर नजर साहब राइट फिल्म में ऑफर हो तो काम करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट खवातीन क्रिकेट टीम में आपको कौन सी प्लेयर द बेस्ट लगती है टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी जिंदगी में खवातीन का मैच नहीं देखा अनुना क्यों नहीं देखा लेकिन जब भी जीतते हैं या तो उनको खुशी होती है पर ये कभी देखा नहीं है मैच अच्छा हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं मूवीज देखते हैं तमिल मूवी देखता हूँ क्रिकेट में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है यार क्रिकेट में बेस्ट फ्रेंड देखो दोस्तों सारे हैं पर जिसके साथ मैं ज्यादातर रहता हूँ और हम खाना भी साथ खाते हैं जब भी हमारा टूर होता है वसीम जूनियर अच्छा हम साथ ही आते जाते हैं तो वही कह सकते हैं दोनों नए हैं ना यार फेवरेट कोई सॉन्ग आपका सॉन्ग कोई फेवरेट नहीं है कोई सुनते हैं। और ना सॉन्ग को मैं समझने की कोशिश करता हूँ बस एट ए टाइम किसी ने भी लगाया तो कुछ भी हो बस सुन लिया तो सुन लिया वरना ऐसा नहीं है कि खास तो स्पेशल कि मैंने लगाया हो कि सुनने और समझ ड्रेसिंग रूम में सबसे शरारती कौन होता है
इमामुल हक। अच्छा, बहुत शरारतें करते हैं। बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल के। अच्छा, और ग्राउंड पे कौन सबसे ज्यादा मतलब खुश रहता है, मतलब जो भी सिचुएशन है काम रहता है, इजी रहता है? मोहम्मद नवाज। अच्छा, उनको मैंने प्रेशर भी नहीं लेते? प्रेशर आई डोंट नो लेते, लेकिन फील नहीं कराता वो बिल्कुल। यू नो, जैसे आप कह लो कि सुन कह सकते हो कि बस अपने अपनी दुनिया में रहता है। अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शौक है? मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया और न शौक है। और क्या बात है, समटाइम मुझे पता भी नहीं होता, ये मेरी तरह है। मुझे भेजते हैं कि आपकी बर्थडे आ रही। अच्छा, हमारे साथ ऐसा होता है क्योंकि हमारी फैमिली में कभी कभी हमने बर्थडे वगैरह मनाई नहीं है, तो इसलिए अभी आइडिया नहीं है कि बर्थडे किस डेट को है, क्या है, लोग की तैयारी वगैरह करते हैं, हमें नहीं इतना शौक। अगर कहा जाए कि नसीम शाह अपने आप को आगे 10 साल में कहां देखना चाहेंगे, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? इतना लंबा मैं नहीं सोचता। रोज़ाना ये कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा करना है, कोई अच्छा काम करना है, हार्डवर्क करनी है। और 10 साल तो पता नहीं, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक जिंदगी है, जब तक सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने नया दिन दिया, और दोबारा से कोशिश करते कुछ नया सीखने के और कुछ और बेहतर करने के, तो बस यही सोचा। प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर को हैंडल करना, प्रेशर तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको प्रेशर नहीं आता होगा, लेकिन हैंडलिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं। और जो मैं करता हूँ अल्लाह को पता है कैसे करता हूँ, और क्योंकि मेरा अल्लाह पे बिलीव है। अच्छा। अपने जितने अपने हार्डवर्क की होती है उस पर आपको बिलीव होता है, और अल्लाह का नाम लेके रस्से के अंदर जाते हैं, और फिर यही सोचते हैं कि जितनी मेहनत की है और जितना अल्लाह ने दिमाग दिया उतना खेलना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हूँ। तो यही चीज़ आपको प्रेशर में थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि अल्लाह ने जो आपसे कराना है वो करना है, जो जितनी आपने मेहनत की उतना आपको सिला मिलना है। तो इस चीज़ पे काफ़ी बिलीव। कंट्रोवर्सीज को कैसे हैंडल करते हैं? बाज़ ऐसा कुछ हो जाता है तो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं? अगर कोई ऐसी क्रिएट भी हो जाए तो क्या रिएक्शन होता है आपका? यार अभी तक अल्लाह ने खैर किया और आगे देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा नसीम शाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इट वाज गुड टू हैव इट। चलो भाई, ये इंटरव्यू यहीं पर एंड होता है। बाकी नसीम शाह को देख के मेरे मुंह से जो वर्ड निकलेगा वो यही निकलेगा कि ही इज सो ऑनेस्ट। यार स्पेशली मैं कहूँगा इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो इनकी परवरिश हुई है, जो इनके पेरेंट्स ने की है, बहुत प्यारी अच्छे से परवरिश की है इनकी, तभी जाके मतलब इतना समझदार बंदा है ये, मतलब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सिंपल सोबर से है, मतलब बहुत सिंपल यार, मतलब वो बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं करते अपना, ना कभी किया है। उन्होंने जैसा बताया कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोलते तब मुझे याद आता है मेरा बर्थडे है। हाँ, ये सेम हमारे साथ भी होता है कि मतलब हमको याद ही नहीं रहता हमारा बर्थडे कब आता है, कब चले जाता है। कोई विश कर देता तो पता चल जाता है कि यार आज बर्थडे हमारा। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, लेकिन शादी के बाद से ऐसा नहीं होता है। बाकी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था ये, और नसीम शाह की ऑनेस्टी ही वो है जो इस इंटरव्यू को वायरल करके कर रही है। वायरल तो कर रही है, बाकी काफ़ी सेफ भी खेल गए वो, मतलब उन्होंने कभी भी किसी एक प्लेयर का किसी भी बात में नाम नहीं लिया। वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। हाँ बिल्कुल। बाकी जो एक जो लास्ट वाली की प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत ज्यादा फनी को योर प्रेशर समझ गए। वो उनका बोलने का अंदाज ऐसा था कि मेरे को बहुत कम प्रेशर आता है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। नहीं बोलते मेरे को प्रेशर आता है तो फिर मैं ऐसा कुछ करता हूँ ये वो, तो वो थोड़ा सा प्रेशर आता है के साथ कुछ और भी ऐड कर देना था उनको। उनको ये बोलना था प्रेशर मैं ऐसा करता हूँ। हाँ। उन्होंने भी बोला प्रेशर आता है तो तो इसलिए वो ज़्यादा हंसी आ गई हमें। बाकी आप बताओ, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? बहुत हमें तो बहुत अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा। इसमें जो होस्ट हैं शाजिया नियाजी नाम है इनका, काफ़ी अच्छे से इन्होंने नसीम शाह से क्वेश्चन किए, और जिस तरह से किसी प्यारे बच्चे से पूछते हैं ना वैसे सवाल किए इन्होंने। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।